हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे नाउन्स का पजेशन बनाना, पजेसिव केस बनाना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी का मालिकाना हक दिखाना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना राहुल का, ये राहुल का घर है, ये इस लड़के की किताब है, या ये इन लड़कों का हॉस्टल है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये लड़के राहुल ये सब सजीव प्राणी, और अगर बोलो कुर्सी का रंग काला है तो कुर्सी का क्या बोलेंगे। इस मकान की कीमत बहुत ज़्यादा है, मकान की या मकान का, इसको कैसे बोलेंगे। दोस्तों ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ये सीख अगर हमने ठीक से सीख लिया तो हमको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होती है, लिखने में भी बहुत आसानी होती है, एग्ज़ाम्स में भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसमें अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं, इसीलिए हमको इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक देखना है और चीज़ों को सीख लेना है। और अगर नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो उसको लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू फॉर्म द पजेसिव ऑफ नाउन्स, नाउन्स का पजेसिव केस कैसे बनाते हैं। पजेसिव वर्ड क्या है दोस्तों? ये पजेस है, पजेस का मतलब होता है मालिक होना, पजेशन यानी मालिकाना हक। जैसे हम कहते हैं ये राहुल की किताब है, यानी हम ये बता रहे हैं कि इस किताब का मालिक राहुल है, यानी हम पजेशन यानी मालिकाना हक, स्वामित्व, अधिकार उसको बता रहे हैं। तो किसी भी नाउन का पजेशन कैसे बनता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा दोस्तों, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जगह हैं, सब की सब नाउन है। नाउन्स को हम दो कैटेगरीज में तो बांट ही सकते हैं। वैसे तो नाउन्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन एक कैटेगरी ये भी है कि नाउन्स को दो तरह के हिस्सों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? लिविंग बींग्स, ये जो नाउन्स हैं उनको लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का मतलब है जीवित प्राणी, नॉन लिविंग बींग्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएँ जितनी भी होती हैं। तो जैसे हमको क्या सीखना है कि लिविंग बींग यानी जीवित प्राणी का अधिकार बताओ, राहुल का, पिताजी का, भाई का, वो लिविंग बींग्स में आ गए। नॉन लिविंग बींग्स में क्या आएगा? कुर्सी का, मकान का, कार का, इस प्रकार से। तो हमको दोनों का नियम सीखना है कि लिविंग बींग्स का पोजीशन कैसे बनाते हैं और नॉन लिविंग बींग्स का कैसे बनाते हैं। तो मैं लिविंग बींग से स्टार्ट करता हूँ कि अगर हमारा नाउन जिसके भी बारे में हम बता रहे कि उसका, राहुल का, पंकज का, अगर ये लिविंग बींग है, जीवित प्राणी है, और अगर वो एक है या एक से ज़्यादा है, एक वचन में है या बहुवचन में है, सिंगुलर है या प्लूरल है, नियम दोस्तों एक ही है, रूल एक ही है। रूल क्या है? जो भी वो नाउन है यानी जो भी आदमी है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसमें एक अपोस्ट्रफी लगाएंगे, उस नाम के बाद अपोस्ट्रफी लगाएंगे और फिर एक एस लगाएंगे। तो दोस्तों ये अपोस्ट्रफी क्या होता है, ये जो चिन्ह है, एक तो हम कॉमा यूज़ करते हैं जो नीचे लगता है, जैसे ये कॉमा है, ये नीचे लगता है, ये यही कॉमा ही आप समझो ऊपर लगता है, जो कॉमा ऊपर लगता है ऐसे समझ सकते हैं, उसको अपोस्ट्रफी कहते हैं। ये रहा दोस्तों ये चिन्ह है, ये इसका नाम है इंग्लिश में अपोस्ट्रफी, और मैंने इसका शुद्ध उच्चारण भी लिख दिया है क्योंकि शुद्ध उच्चारण सीखना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट प्रोनंसिएशन। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों अपोस्ट्रफी, इसको अपोस्ट्रफी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, पौ में जो ओ है उसी पर ज़्यादा देर तक रुकना है, और ट्रफी है, ट्रॉफी नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे अपोस्ट्रफी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स पर कि अगर मुझे एग्जाम्पल बनाना हो या अपनी बात कहनी हो इंग्लिश में इस प्रकार से तो मैं कैसे कह सकता हूँ। अब जैसे है राहुल, राहुल का, हम किसी को बता रहे ये राहुल का घर है, तो राहुल का कैसे बनेगा? नियम के अनुसार क्या हमको करना चाहिए? हमको यहाँ पर नाउन लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा राहुल, उसके बाद है अपोस्ट्रफी, तो मैंने डाला अपोस्ट्रफी, फिर है एस, मैंने डाल दिया एस, अब ये बन गया राहुल्स यानी राहुल का। अच्छा दोस्तों ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हैं, पंकज का अगर होता तो यहाँ लिखते पंकज, फिर लगाते आप अपोस्ट्रफी, फिर लगाते एस, पंकज, पंकज का। अच्छा दोस्तों अगर बोल रहा हूँ पिताजी का, तो पिताजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फादर, तो मैंने लिखा फादर, फिर मैंने लगाया अपोस्ट्रफी, और फिर मैंने लगाया एस, फादर्स, पिताजी का। अच्छा दोस्तों ये जो एस लग रहा है ये बहुवचन वाला एस नहीं है ना, एक बहुवचन बनाने के लिए भी एस लगता है, जैसे बुक में बुक्स, किताब किताब, ये वो वाला नहीं है, उसमें सिर्फ एस लगता है, इसमें अपोस्ट्रफी भी लग रहा है, यही दोनों में अंतर है, इस अंतर को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो अगर बोलना हो मेरे पिताजी का नाम ये है, जो भी उनका नाम है, तो आपको बोलना चाहिए माय यानी मेरे, माय फादर्स नेम इज, और फिर उनका नाम बताना चाहिए। अभी मैं सुनता हूँ बहुत लोग बोलते हैं माय फादर नेम इज, वो एकदम ही गलत इंग्लिश है, वो खराब इंग्लिश है, वो नहीं बोलनी चाहिए, माय फादर्स नेम इस प्रकार से हमको बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कोई एक लड़का है, हम कह रहे हैं ये उस लड़के का घर है, लड़के का, एक लड़के को क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? बॉय। तो लड़के का बनाना है हमको, हम नियम के अनुसार चलेंगे, बॉय लिखा, अपोस्ट्रफी लिखा, एस, बॉयज यानी लड़के का।
अब अगर बोल रहा हूं कोई लड़की है, लड़की का, तो क्या होगा? तो दोस्तों लड़की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गर्ल, तो लिखा गर्ल, फिर लिखा अपोस्ट्रफी लगाया, फिर लगाया एस, गर्ल्स यानी लड़की का। अच्छा दोस्तों ये जो चारों वर्ड्स मैंने आपको बताए ये चारों सिंगुलर है, एक वचन में है। अब हम सीखते हैं कि अगर हमारा नाउन बहुवचन में प्लूरल में है तो क्या होगा। दोस्तों होगा तो वही, रूल तो वही है, लेकिन कुछ उसमें सीखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा था लड़के का, अब मैं लिख रहा हूँ लड़कों का। लड़के बहुत सारे, लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का स्कूल, होते हैं स्कूल ऐसे जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, लड़कों का कॉलेज, ये बोल रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों लड़कों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बॉयज, उसमें एस पहले से लगा होता है, बहुवचन वाला एस, तो बॉयज लिखा, फिर मैंने लगाया अपोस्ट्रफी, फिर मैंने लगाया एस, बॉयज प्लस एस अपोस्ट्रफी के साथ। अच्छा दोस्तों इसमें क्या है कि एंड में दो एस हैं, तो दो स हम एक साथ जीभ से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो प्लूरल वर्ड्स हैं बहुवचन वाले जिनमें एस ऑलरेडी लगा होता है, उनमें नियम के अनुसार हमको अपोस्ट्रफी के साथ एस लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि हम दो एस को एक साथ नहीं बोल सकते, इसीलिए जो लास्ट में जो एस लगता है ये वाला, इसको मिटा देना चाहिए। तो मैंने इसको मिटा दिया, अब ये बना, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ जो एस है वो एस हम नहीं लिखेंगे और पढ़ेंगे इसको बॉयज, और इसका मीनिंग हुआ लड़कों का। तो कई बार स्टूडेंट्स के मन में शंका होती है कि फिर दोनों तो एक ही जैसे सुनाई दे रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा हमको कि लड़के का है कि लड़कों का है? तो दोस्तों सेंटेंस से पता चल जाता है कि एक वचन वाला सेंटेंस है कि बहुवचन वाला सेंटेंस है। जैसे बोल रहा हूँ ये लड़कों का कॉलेज है, तो आप बोलेंगे ना दिस इज अ बॉयज कॉलेज, तो एक कॉलेज में एक लड़का तो पढ़ता नहीं है, बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अच्छा दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए, अब फिर एक नई बात आपको बताता हूँ। इंग्लिश में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो होते तो बहुवचन हैं लेकिन उनके अंत में एस नहीं होता, ऐसे अनगिनत शब्द हैं, इसीलिए थोड़ा इंग्लिश कभी कभी देख सीखने में मुश्किल लगती है, बट है नहीं मुश्किल, थोड़ा सा पढ़ने से सब पता चल जाएगा आपको। अच्छा दोस्तों ये वर्ड है पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। अच्छा लोग जो है ये एक से ज़्यादा होते तभी लोग बोलते हैं, तो पीपल जो वर्ड है पी ई ओ पी एल ई, ये ऑलरेडी बहुवचन है, प्लूरल है, उसमें एस लगाने की जरूरत, उसको पीपल को पीपल्स नहीं बोलना चाहिए। कई बार लोग ये भी बोल लेते हैं कि भाई लोग है तो पीपल्स होगा ना, नहीं, पीपल अपने आप में एक बहुवचन का शब्द है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बोलना है लोगों का, तो मुझे क्या करना है? रूल मुझे मालूम ही है, नाउन प्लस अपोस्ट्रफी प्लस एस, तो मैंने लिखा पीपल, फिर मैंने लगाया अपोस्ट्रफी, फिर मैंने लगाया एस, पीपल्स यानी लोगों का। दोस्तों ये वो वाला एस नहीं है जो बहुवचन के लिए लगाते हैं ना, ये अपोस्ट्रफी के साथ लगा हुआ एस है, उससे अलग है, तो इसका मीनिंग हुआ लोगों का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी लिविंग बीइंग का, जीवित प्राणी का या जीवित प्राणियों का आप पोजेशन बना सकते हैं, जब बोल रहा हूँ राहुल का, पंकज का, लड़कों का, लड़कियों का, ऐसे, आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि अगर कोई नॉन लिविंग बीइंग है, निर्जीव वस्तु है, उसका मुझे का बोलना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? जैसे कुर्सी का, शर्ट की कीमत, कुर्सी का रंग, मकान का, मकान की कीमत, मकान का रंग, पेंट, बाइक की लंबाई, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये कैसे बनेगा? इसमें क्या रूल है दोस्तों? अच्छा ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही रूल है, दोनों में, लिविंग बींग्स में, नॉन लिविंग बींग्स में, एक वचन और बहुवचन दोनों का पजेसिव बनाने के लिए, पजेशन दिखाने के लिए रूल एक ही है। इसमें क्या रूल है दोस्तों? इसमें रूल ये है कि जो भी नाउन है यानी कुर्सी, टेबल, कुर्सी का, पलंग का, मकान का, घर का, ये कुछ भी बोलना आपको, तो नाउन के पहले ही आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। ऑफ का मीनिंग होता है का, ये तो हम सभी जानते हैं। इसमें क्या रूल था? सजीव प्राणी में नाउन के साथ अपोस्ट्रफी फिर एस था, निर्जीव में क्या है? नाउन के पहले ही ऑफ लगाना है। तो कैसे, जरा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे बोल रहा हूँ कुर्सी का, यानी कुर्सी का रंग, कुर्सी का वजन, कुर्सी की कीमत, इस प्रकार से, तो हम लिखेंगे ऑफ द चेयर, मैंने बीच में द भी डाला है, पहले ऐसे समझते हैं ऑफ चेयर कुर्सी का, तो द क्यों लगा बीच में? द दोस्तों इसलिए लगा कि हम एक खास कुर्सी की बात कर रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ एक विशेष कुर्सी की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस कुर्सी का रंग काला है, तो मैं एक खास कुर्सी की बात कर रहा हूँ। जब भी किसी खास वस्तु के बारे में बात हो तो द लगता है उसमें, ये आर्टिकल्स में आता है। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से सीखना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सीखें, उसमें मेरा एक वीडियो आर्टिकल्स के ऊपर है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका आर्टिकल्स भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि जब भी हम किसी विशेष वस्तु की बात करते हैं तो उसके पहले द लगता है, इसीलिए बीच में द मुझे डालना पड़ेगा ग्रामर के नियम के अनुसार। तो मैं कहूँगा कुर्सी का ऑफ द चेयर, अगर मुझे बोलना हो तो स्कूल का, तो मैं कहता ऑफ द स्कूल,
अगर बोलना होता मेरे स्कूल का, तब यहां पर द हट के माई लग जाता क्योंकि मेरा बताना है, तो हम बोलते ऑफ माई स्कूल। अगर ऐसे आपको सेंटेंस बनाना, आप किसी को बता रहे हैं मेरे स्कूल का नाम या मेरे कॉलेज का नाम ये है, तो आप बोलते द नेम, नाम पहले लग जाता, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, और फिर आप नाम बताते। इसमें भी मैंने सुना है कई बार लोग बोलते हैं माई स्कूल नेम इज दिस, माई कॉलेज नेम, एकदम गलत इंग्लिश है वो ना, कचरा इंग्लिश है वो, इंग्लिश है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ग्रामर तो ज़रूरी पढ़ना चाहिए, बिना ग्रामर को पढ़े हुए इंग्लिश को सीखना लगभग असंभव जैसा है। बहुत लोग आपको ये बात बोलेंगे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सीरियसली एक बात बोलता हूँ कि दोस्तों ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया है, लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए जनता को गुमराह करते हैं। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो बोलते हैं ग्रामर मत पढ़ो, बिना ग्रामर के आप अंग्रेजी सीख लोगे, ये एकदम ही गलत बात है। ये वैसी ही बात है जैसे कोई ये कहे कि पानी के बिना मछली जिंदा रह सकती है। ग्रामर का मतलब क्या होता है? ग्रामर का मतलब होता है भाषा के नियम। अगर नियम ही नहीं सीखेंगे तो भाषा कहाँ से सीख सकते हैं? और अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी तो है नहीं कि हमको बोलते बोलते आ जाएगी, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, जैसे रूसी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, ये सब विदेशी भाषा है। इनको सीखना चाहते हैं आप तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे अंग्रेजी भी हमारे लिए एक विदेशी भाषा है। हिंदी हमको इसलिए बोलते बोलते आ गई क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और बचपन से उसको बोलते हैं, इसलिए हमको व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ा। लेकिन अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन लैंग्वेज, ये सब पढ़ना है तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बनाएंगे। अच्छा, अभी जो हमने सीखा एग्जाम्पल वो एक वचन का था, अभी बहुवचन में अगर होता कुर्सियों का तो क्या होता? कुछ नहीं होता दोस्तों, रूल तो एक ही है, खाली चेयर में एस लगा देंगे, चेयर्स कुर्सियाँ, बहुवचन वाला एस। तो यहाँ लिखा मैंने कुर्सियों का, तो कुर्सियों का ऑफ द चेयर्स, तो एक कुर्सी का ऑफ द चेयर, कुर्सियों का ऑफ द चेयर्स, तो कितना आसान है। अगर बोल रहा हूँ कुर्सी का रंग काला है तो हम बोलते द कलर, रंग पहले आएगा, द कलर वही सब्जेक्ट है, द कलर ऑफ द चेयर इज ब्लैक। अगर होता कुर्सियों का रंग काला होता द कलर ऑफ द चेयर्स, द कलर ऑफ द चेयर्स इज ब्लैक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर ठीक से बोल लें तो आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और खास रूल, ऐसे तीन चार छोटे छोटे रूल्स हैं बट एक इंपॉर्टेंट रूल है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वो रूल ये है दोस्तों कि अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष में जितनी भी चीज़ें घूम रही हैं, हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, तो अगर ये अंतरिक्ष में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी चीज़ें घूम रही हैं, जितने भी ग्रह प्लैनेट्स हैं, इनका अगर का बोलो, जैसे बोलो पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का, तो उनमें भी ऐसी बातों को बताने के लिए यही वाला रूल लगता है, वो मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। तो अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है यानी अंतरिक्ष में घूमने वाली कोई वस्तु है, चीज़ है, तो उसमें नाउन यानी जो भी उसका नाम है प्लस अपोस्ट्रफी प्लस एस, जैसे बोला अगर पृथ्वी का तो यहाँ लिखा अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, तो अर्थ प्लस अपोस्ट्रफी प्लस एस, अर्थ्स, ऐसे आप बोल सकते हैं। और इसको ऑफ द अर्थ भी बोल लेते हैं लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रकार से बोला जा सकता है बट नियम यही वाला है। उसके बाद दोस्तों सूर्य का, सूरज का, तो सन लिखा अपोस्ट्रफी लगाया फिर एस लगाया, चंद्रमा का तो मून लगाया अपोस्ट्रफी और एस, मून्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी नाउन का पजेशन फॉर्म कर सकते हैं, उसका पजेसिव फॉर्म बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस क्लास को समझ गए होंगे और आप पजेशन के मामले में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको डिटेल में समझा दूं जिससे कि आप ज़िंदगी भर के लिए वो टॉपिक आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वोकैबुलरी का हो, चाहे प्रोनंसिएशन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो इंग्लिश में, आप चाहते हैं कि मैं आपको एक उस पर वीडियो बना के दे दूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं एक वीडियो आपको उस पर ही बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी हम लोग मिलते हैं और फिर एक नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।